हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई नो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव अपलोडेड एनी वीडियो ऑन माय चैनल। तो कुछ सिनेरियोस थे और बाकी आप देख ही रहे हो कि कुछ पिछले दिनों से कुछ तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। बट एनीवेज वी विल स्टार्ट विद द वीडियो। जैसे कि मेरे को स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कैसे मैनेज करें जॉब के साथ स्टडीज़ को, राइट? इट्स अ बिग क्वेश्चन। इवन आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड इट गेट्स डिफिकल्ट समटाइम्स टू मैनेज योर स्टडीज़ अलॉन्ग विद द जॉब। आई नो दैट I can't give you a specific timetable for that basically, but yes, I can share some tips with you which you should definitely remember while preparing for your examinations along with your job. Yes, so let's start without wasting much time. And if you haven't subscribed my channel yet, then do subscribe and hit the bell icon as well for more such related videos. Now the very first thing which I want to convey कि सबसे पहले आपकी एक परफेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है? जब तक आप प्लान नहीं करेंगे, ठीक है, ये बहुत कॉमन लगेगा बिकॉज यू हैव ऑलरेडी हर्ड इट, राइट? बट परफेक्ट प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्लान नहीं करेंगे, यू विल नेवर नो व्हेन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है? कहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने टाइम को, कहाँ पे आप कैसे कैसे मैनेज कर सकते हो चीज़ों को। सो यू हैव टू मेक अ प्लान। प्लान हो सकता है, कई बार जैसे हम प्लान बनाते हैं, हो सकता है वो फॉलो ना हो, बट उस बेसिस पे यू डोंट हैव टू बी डीमोटिवेटेड, राइट? व्हाट यू नीड टू डू इज़ दैट यू नीड टू एनालाइज कि कहाँ पे आपने अपना टाइम वेस्ट किया, वहाँ से आपको पता चलेगा प्लानिंग से, राइट? तो इसलिए परफेक्ट प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली जब आप काम कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि व्हेन यू वर्क, मैं मान के चलता हूँ 8 to 9 hours आप वर्क कर रहे हो, राइट? फिर आपको 7 to 8 hours की स्लीप भी चाहिए, राइट? तो 9, 8, 17 hours, उसके बाद आपके पास बचते हैं अराउंड 7 hours। 7 hours में से 2 to 3 hours आपको अपने काम हो गए, घर के काम हो गए, वो सब चीज़ें 20 hours हो गए, ठीक है? आपके पूरा दिन में बचते कितने हैं, 4 या 5 hours मैक्सिमम बचते हैं। तो उसमें भी अगर आपकी वो प्लानिंग नहीं होगी, ठीक है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, राइट? सेकेंड थिंग इज़ दैट अ परफेक्ट स्टडी प्लेस। यस, आपकी पढ़ाई की जगह एक फिक्स्ड होनी चाहिए जो नॉइज़ से दूर हो, ठीक है? जहाँ पे लाइक टीवी की नॉइज़ नहीं है या और कोई नॉइज़ नहीं है, बिकॉज़ अगर आप ऐसे नॉइज़ में पढ़ेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, हो सकता है कि बाहर से आपको ट्रैफिक की साउंड आ रही हो, सो इट्स ओके, वो थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है? बट मेक श्योर कि आप नॉइज़ फ्री जगह पर ही हों। नाउ द थर्ड टिप इज़ दैट यू शुड टेक प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप का एग्जाम्पल मैं देता हूँ, 7 to 8 hours इज़ मैंडेटरी, ठीक है? जैसे मैं बताता हूँ, ये तबीयत जो अभी ठीक नहीं है वो क्यों ठीक नहीं है। 2 दिन पहले मेरे पास वर्कलोड ज़्यादा था, ठीक है, और मैं इवनिंग में सो गया, ठीक है? उसके बाद आई वॉक अप इन द नाइट, ठीक है? उसके बाद नींद नहीं आई, सो आई स्टडीड, ठीक है? उस टाइम पढ़ाई किया एंड आई स्लेप्ट एट 3 AM, देन आई अगेन वॉक अप एट 8 AM इन द मॉर्निंग टू स्टार्ट माई शिफ्ट, ठीक है? ठीक है, तो देख रहे हो आप कैसे गैप आ गया स्टडी स्लीप वगैरह में, ठीक है? तो उसकी वजह से जो स्केड्यूल डिस्टर्ब हो गया है ना, बॉडी उसको रिटेन नहीं कर पाई एंड अभी आई एम लाइक दिस, ठीक है, कि थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया। तो इट्स लिए स्केड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? स्लीप स्केड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड टेक प्रॉपर स्लीप, राइट? कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट इज़ दैट लर्न टू से नो। सबको लगता है कि चलो मेरा फ्रेंड पार्टी कर रहा है एंड दे आस्क यू टू ज्वाइन, यू शुड लर्न टू से नो, राइट? क्योंकि आज ठीक है, आज आप इंजॉय करोगे, यू विल गो फॉर द प्लेजर, बट लेटर जब आप इन्हीं चीज़ों में लाइक यू आर वर्किंग, अभी कहीं पे आप वर्क कर रहे हो एंड यू डोंट वांट टू डू इट फॉर एवर, राइट? यू वांट टू मेक योर करियर मोर ब्राइट, राइट? तो आपको लगेगा कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, यू विल बी एट द सेम पोजिशन। सो इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज देन यू शुड नो वेन टू से नो। कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ ओपन कम्युनिकेशन। इफ़ यू आर वर्किंग, ठीक है, तो जो भी आपके सुपरवाइजर्स हैं या सीनियर्स हैं, डिपेंड्स करता है, सबकी कंपनीज का अलग अलग सीनेरियोज होता है। हो सकता है कुछ लोग फर्म में भी काम करते हो, सकता है कुछ लोग फुल टाइम करते हो, कुछ लोग पार्ट टाइम करते हो, सबका अपने अपने सीनेरियोज है। तो मैं फिक्स टाइम टेबल नहीं दे रहा हूँ, बट आई एम गिविंग यू सम सजेशंस और टिप्स विच यू कैन कीप इन माइंड इफ़ यू आर वर्किंग, राइट? सॉरी, सुपरवाइजर्स को आप बोल सकते हैं जो भी हैं कि सर मेरे को स्टडी करना है, ठीक है, मेरा ये प्लान है एंड आई ऑल्सो लाइक मेरा भी हक है कि मैं भी लाइफ में आगे बढ़ूं, राइट? तो आप एक प्रॉपर कम्युनिकेशन ज़रूर रखें, ठीक है? जितना आप प्रॉपर कम्युनिकेशन रखेंगे उतना बेटर रहेगा। सपोज़ आपने प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रखा और आपका माइंड आपके स्टडीज़ में भी है और काम में भी है, तो ना आप काम सही से कर पा रहे हैं,
ना आपकी स्टडी सही से हो पा रही है। और अगर आपने पूरा स्टडीज़ की साइड अपना टेंशन डाइवर्ट कर दिया, काम सही से नहीं होगा, तो हो सकता है बॉस आपको और परेशान करे। ज़रूरी नहीं है सारे ही करें, बट हो सकता है और करें। सो इट्स बेटर टू बी ओपन, राइट? कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर। कमिंग टू द अनदर पॉइंट, दैट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। हो सकता है कि आप जब जॉब पर जा रहे हो सकता है कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, कुछ लोग ऑफिस जा रहे हो। तो वेन एवर आई गो टू ऑफिस, व्हाट आई डू इज़ दैट आई जस्ट कीप माय नोट्स इन माय मोबाइल, ठीक है? और अगर हो सकता है कुछ लोग जैसे ट्रैवलिंग में नहीं पढ़ पाते, ठीक है, नोट्स नहीं रीड कर सकते या नहीं कर सकते, सो यू शुड, व्हाट यू शुड डू इज़ दैट गो टू यूट्यूब, ठीक है? वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे, थ्योरी टॉपिक्स या कुछ भी, ठीक है, जो आपके स्टडीज़ में होगा, ठीक है? तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट वॉच दैट वीडियोज़ वाइल ट्रैवलिंग। आप बाकी भी तो वीडियोज़ स्क्रॉल करते ही हो ना, है ना? वट यू कैन डू, जो थ्योरी वगैरह वाला पार्ट है आप वो वीडियोज़ देख सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ, इफ़ यू आर प्रिपेरिंग फॉर ग्रुप 4, ठीक है, तो आपने गवर्नमेंट अकाउंटिंग का, CFR का, गवर्नमेंट अकाउंटिंग का थ्योरी यूट्यूब से देख लिया, अवेलेबल आपको आराम से मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप इंटर ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देख लिया आपने, ठीक है, यू कैन रेफर माई वीडियोज एज वेल फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है? तो आप ऐसे कर सकते हो। कमिंग टू द अनदर पॉइंट, बट या मेक श्योर कि टेक्नोलॉजी का यूज़ इट एज एन एडवांटेज, नॉट एज अ डिजास्टर, राइट? नाउ कमिंग टू अनदर पॉइंट इज दैट यू शुड नो अबाउट योर फ्री टाइम। हो सकता है आपको लगता है कि यार मैं तो सुबह शाम तक जॉब कर रहा हूँ एंड आई डोंट हैव एनी फ्री टाइम, तो बैठे रहो वहीं पे, जो कर रहे हो करते रहो और बोलते रहो यार ये तो करना पड़ेगा क्योंकि नीड है। या फिर ऐसा कुछ करो कि जो आपको करना है वो कर पाओ, तो उसके लिए यू नीड टू एनालाइज योर फ्री टाइम, ठीक है? फ्री टाइम आपको मिलेगा जब आप उसको प्लान करोगे, जब आप एनालाइज करोगे, यू विल नो कि वेन यू आर फ्री, ठीक है, एंड टेक एडवांटेज ऑफ दैट फ्री टाइम, राइट? यू नीड टू एनालाइज, अदरवाइज यू विल कीप क्रीबिंग अबाउट इट, बट इट वॉन्ट बी यूजफुल फॉर योर फ्यूचर, ठीक है? अनदर थिंग इज दैट टेक एडवांटेज ऑफ द वीकेंड्स। अगर आप काम कर रहे हैं किसी MNC में, ठीक है, तो आपके पास सैटरडे संडेज ऑफ हैं। अगर आप फॉर्म वगैरह या कहीं किसी और स्मॉल फॉर्म में भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर संडेज ऑफ होते हैं, ठीक है? तो जो भी है उनका एडवांटेज लीजिए, उसको अच्छे से स्केड्यूल कीजिए, वहाँ पे अच्छे से प्लान कीजिए कि आपको कैसे उनको यूटिलाइज़ करना है एंड कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना आउटपुट निकाल सकते हैं। बट मेक श्योर दैट यू टेक प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर फूड एंड न्यूट्रिशन एट टाइम, राइट? क्योंकि अगर आप जॉब के साथ स्टडीज़ कर रहे हैं तो यू कॉन्ट बेयर कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए और आपके डेज वेस्ट हो जाएँ, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव लेस टाइम, राइट? तो हम इसको बेयर नहीं कर सकते, ठीक है? अभी मैं बेयर कर रहा हूँ एंड आई एम रिग्रेटिंग इट, तो ऐसा आपके साथ ना हो, ठीक है? सो दैट यू शुड कीप इन माइंड। एंड नाउ द फाइनल एंड द लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू कन्वे हेयर इज दैट बी काम, ठीक है? सिचुएशंस ऐसी आएंगी, लाइक वर्क में हो जाता है, सिचुएशंस ऐसी आती हैं दैट बॉस ने कुछ बोल दिया या सीनियर ने कुछ बोल दिया या काम में कोई भसड़ हो गई, ठीक है? बट यू नीड टू डू, वेन एवर यू लॉग आउट जस्ट भूल जाओ कि आपकी कोई वर्क लाइफ है, ठीक है, अलग से, ठीक है? यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर स्टडीज़, ठीक है? उसको अलग कर दो, बिल्कुल अलग कर देना है, ठीक है? उसके बारे में नहीं सोचना है। एंड वेन यू विल स्टार्ट द नेक्स्ट डे, ठीक है, ऑफिस टाइम में उसके बारे में सोचो, करो जो करना है करो, बट जब आप लॉग आउट करते हो या आपका काम खत्म हो जाता है, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट? सो स्टे काम एंड दैट्स ऑल। आई होप कि इन सजेशन से आपको कोई हेल्प मिली हो, कोई अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? सो आई विल नो कि वेयर आई कैन सजेस्ट यू मोर, ठीक है, ऑन व्हाट एरियाज बेसिकली, एंड मेरे को भी थोड़ा पता चल जाता है यार कि हाँ मेरी वैल्यू से कुछ आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। दिस इज इट, सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।